वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताऊंगा। यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फुल क्लैरिटी के साथ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान बताऊंगा, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बताऊंगा। उसके बाद एक्सरसाइज में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, या है, ई है, ए है, आ है, ई है, ए है इत्यादि लगा रहे तो उस क्रिया का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा Have has plus subject plus V3 plus object, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा Have has plus subject plus not plus V3 plus object। और ये जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है इसका प्रयोग हम स्पोकन इंग्लिश में करते हैं, ठीक है। तो haven't और hasn't plus subject plus V3 plus object, ये भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। Have और not मिलकर haven't होता है, और has और not मिलकर hasn't होता है। वेल, तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपरली। कहता है क्या मैंने उसे पीटा है। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार हैव ऐसे सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैंने, आई के साथ क्या प्रयोग में आता है, हैव प्रयोग में आता है, तो सेंटेंस की शुरुआत हैव से करेंगे। हैव के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा आई, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद V3 अर्थात वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है, पीटना, बीट का तीसरा फॉर्म बीटेन, और सबसे अंत में अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या है, अदर वर्ड के रूप में उसे, हिम। क्या मैंने उसे पीटा है, हैव आई बीटेन हिम। क्या हम लोगों ने मैच जीत लिया है, हैव वी ऑन द मैच। क्या आप खा चुके हैं, हैव यू ईटन। क्या आप लोगों ने यह किया है, हैव यू Done it। क्या सीता आ चुकी है, Has Sita come। कम का तीसरा फॉर्म भी कम ही रहता है, ठीक है। क्या सीता आ चुकी है, Has Sita come। सीता क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए has प्रयोग किया मैंने, ठीक है। क्या वे लोग बाजार गए हैं, Have They gone to market। क्या राजू ने झूठ कहा है, Has Raju told a lie। क्या तुमने भगवान को देखा है, Have you seen God? क्या तुमने भगवान को देखा है, Have you seen God? क्या बच्चे सो चुके हैं, Have the children slept? क्या बच्चे सो चुके हैं, Have the children slept? क्या आपने नहीं खाया है, इसे आप दो तरीका से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। Have you not eaten? और इसे आप बना सकते हैं, Haven't you eaten? क्या आपने नहीं खाया है, Have you not eaten, और Haven't you eaten, ठीक है।
क्या सीता बाजार नहीं गई है? Hasn't Sita gone to market? क्या वे नहीं आए हैं? Haven't they come? क्या आपके घोड़े नहीं जीते हैं? Haven't your horses on? क्या राम पटना नहीं गया है? Hasn't Ram gone to पटना? क्या तुम्हारी पत्नी ने साड़ी नहीं खरीदी है? Hasn't your wife bought a साड़ी? क्या तुम्हारी पत्नी ने साड़ी नहीं खरीदी है? Hasn't your wife bought a साड़ी? या फिर इसे आप बना सकते हैं, Has your wife not bought a साड़ी? क्या तुम्हारी पत्नी ने साड़ी नहीं खरीदी है? Has your wife not bought a saree? या फिर hasn't your wife bought a saree?